मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षक डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे ने कहा कि मतदान की सफलता पीठासीन अधिकारी की कार्य प्रणाली एवं व्यवहार पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मतदान के पूरे दिन 11 मार्च को अपना मोबाइल शांत रखें, केवल जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना देने एवं रिपोर्ट भेजने के लिए इस्तेमाल करें और आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में डायरी भरें, रिपोर्ट दें, समय समय पर रिपोर्ट भेजते रहें। मनमाना रिपोर्ट ना हो बल्कि तथ्य पर ये आधारित हो। बूथ पर आने वाले अधिकारी को विजिट बुक भरने को कहें। कार्मिकों को संबोधित करते हुए उप निदेशक बचत विजयनाथ मिश्र ने बताया कि 10 मार्च को प्रातः 7 बजे उन्हें विश्वविद्यालय में आना होगा, जहाँ उन्हें ड्यूटी वाले मतदेय स्थल की जानकारी दी जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट प्राप्त होगा और क्रीड़ा संकुल से बस द्वारा ले जाया जाएगा। रवाना होने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उन्हें सारी मतदाता सूची प्राप्त हुई है और वापस विश्वविद्यालय आकर उन्हें ईवीएम को जमा भी करवाना अनिवार्य है। करके दिखा दीजिए मतों की गणना करवाने के बाद, और इसके बाद आप बीपी पर्चियों को बाहर निकालेंगे और एक एक करके आप काउंट करेंगे। एजेंट से वो नोट कर लेंगे, आप भी उसको नोट कर लेंगे। दूसरा काम आपको करना है कि क्लोज बटन दबा करके आप तत्काल मतदान को बंद करेंगे, एक को दबा करके, और फिर उसके जिस तरीके से सील करने की कार्रवाई आपको बताई गई है उस तरह से करके फिर आप दूसरे मतदान बहुत सावधानी से भरना है। और जितने तरह के आपको पेपर है, जैसे मैंने जो एक लिपलेट आपको मिला है आपके स्टेशन के कहने में भी रहेगा, सावधानी बरतना यह है कि ईवीएम मशीन के साथ आपको क्या क्या जमा करना है। ईवीएम मशीन के साथ 10 तरह के प्रपत्र हैं, उसको पहले आप लिफाफे में रख करके ईवीएम मशीन के साथ वाले जो प्रपत्र हैं उनको एक तरफ करिए, इसके बाद सामग्री लिफाफा तैयार करिए, उसको सील करिए, और सामग्री लिफाफा का जो बड़ा बड़ा पैकेट मिला है उसमें सारे 5 तरह के प्रपत्र को रख करके सामग्री लिफाफा सील करिए, फिर असामग्री लिफाफा बनाइए और अलग तरह का जो प्रपत्र है वो सब बना करके आप लेकर के हमें वाहन से यहाँ पर। जैसा आपको बताया गया था कि जिस वाहन से आप जाएंगे उस वाहन को आप यूनिवर्सिटी में ही ला करके आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि 10-5 मिनट में अगर जाम की स्थिति आती है तो ये नहीं लगा कि पैरलेगंज चौराहे या छासल चौराहे पर आपने बस को छोड़ दिया। व्यवस्था ये की गई है कि आप अपने अपने वाहन जो आपका नियत वाहन है उस पर यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेकर के आएंगे और यहीं पे अपनी सामग्री के साथ उतर करके जो भी 150 मीटर की दूरी है आप पहुंच करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना सामान जमा करके इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिएगा। जैसे प्रोफाइल